फ्रेंड्स, वेलकम टू द फर्स्ट क्लास ऑन ज्योग्राफी। इस पहली क्लास में सिक्स्थ क्लास का एनसीईआरटी का पहला चैप्टर हम डील करेंगे। दिस चैप्टर्स नेम इज़ द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो ये वाला चैप्टर है जो हम डील करने वाले हैं, इसमें अर्थ इन द सोलर सिस्टम, दैट इज़ पेज नंबर 2। जो भी मैंने आपको पीडीएफ बोला है ब्रेनिया, इसका जस्ट आप डाउनलोड कर लीजिए, उस जिससे आपको बहुत सारे कंटेंट स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मिल जाएगा। सी, व्हेन इट कम्स टू ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का पहले हम नेचर समझेंगे। व्हाट इज दिस ज्योग्राफी सब्जेक्ट ऑल अबाउट? द ज्योग्राफी, इट इज द स्टडी ऑफ स्पेस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ टाइम, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन का स्टडी है। पोलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट का स्टडी है। उसी तरह से ज्योग्राफी इट इज द स्टडी ऑफ स्पेस। और स्पेस में हम किसकी स्पेस को स्टडी करते हैं? बेसिकली वी स्टडी द स्पेस ऑफ अर्थ। अर्थ का स्पेस को हम स्टडी करते हैं ज्योग्राफी में। बिकॉज हम अर्थ की स्पेस को स्टडी करते हैं, हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसको अंडरस्टैंड करना है? फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, कि धरती बनी किस तरह से है, एंड धरती के आसपास और कितने प्लैनेट्स हैं, धरती का किस तरह से फॉर्मेशन हुआ है। सी, देखिए सिक्स्थ क्लास के एनसीईआरटी, बहुत सारा बेसिक इसमें बताया गया है। एवोल्यूशन ऑफ अर्थ के बारे में इसमें नहीं लिखा गया है। एवोल्यूशन ऑफ अर्थ हम प्लस वन का जो ज्योग्राफी आएगा उसमें स्टडी करेंगे। बिग बैंग थ्योरी एक थ्योरी है जो बताती है कि किस तरह से पूरा प्लैनेट्स फॉर्म हुआ है। सो बेसिकली जो फॉर्मेशन ऑफ अर्थ है, एवोल्यूशन ऑफ अर्थ है, वो प्लस वन के चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ धरती के बारे में और धरती से ज़्यादा हम सोलर सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। जो चैप्टर का नाम आपके पास है, चैप्टर का नाम आप देखिए, इट इज़ अर्थ इन द सोलर सिस्टम। सो दैट इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर, अर्थ इन द सोलर सिस्टम। देखिए इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही बताया गया है जितना एक सिक्स्थ क्लास के बच्चे को पता होना चाहिए। तो पूरा हम चैप्टर वाइज एनसीईआरटी कर रहे हैं, तो हम बहुत ज़्यादा स्किप नहीं करेंगे, ताकि आप लोगों का डेवलपमेंट धीरे धीरे होता रहे। सी, व्हेन इट कम्स टू अर्थ इन द सोलर सिस्टम, जो सोलर सिस्टम है हमारा ना, प्रेजेंटली हम ये मानते हैं कि इसमें एक तो वी हैव गॉट ए सन, प्लस देयर आर 8 प्लैनेट्स। पहले हमारे पास 9 प्लैनेट्स थे, बट आज की डेट में हमारे पास सिर्फ 9 प्लैनेट्स ही हैं। नाउ सन, हाउ फार इज सन फ्रॉम अर्थ, धरती से कितनी दूर है हमारा जो सूर्य है। तो धरती से जो सूर्य है उसका जो दूरी है वो लगभग 150 मिलियन दूर है जो सूरज हमसे है। तो काफ़ी ज़्यादा दूरी है सूरज का हमसे। Secondly, we have got as planets. अब planets और sun के बीच में क्या difference है? जो sun है, sun के पास अपना source of energy है, planets के पास अपना source of energy नहीं रहता है। जो sun है, it is actually a star. Sun is a star. And sun twinkle करता रहता है, चमकता रहता है सूर्य, एंड सूर्य की रोशनी है जो बाकी प्लैनेट्स के ऊपर पड़ती है। एंड यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बेसिकली क्या अंडरस्टैंड करना है? वी बेसिकली नीड टू अंडरस्टैंड कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है हमारे पास प्लैनेट्स का। सबसे पहला हमारे पास प्लैनेट है मरकरी। मरकरी हमारे पास पहला प्लैनेट है। मरकरी है हमारे पास, वीनस है, फिर हमारे पास अर्थ है, फिर हमारे पास मार्स है, फिर हमारे पास जुपिटर है, फिर हमारे पास सैटर्न है, फिर हमारे पास यूरेनस है, फिर हमारे पास नेपच्यून है, फिर हमारे पास प्लेटो है। प्लेटो आज की डेट में प्लेटो को कंसिडर नहीं करते प्लैनेट। सो दिस इज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। सी, व्हेन इट कम्स टू मरकरी, मरकरी सूरज के बिल्कुल पास में है, तो उसी की वजह से जो मरकरी का साइकिल ऑफ
रेवोल्यूशन है, ये सूरज है, इसके आसपास जो एक गोला काटता है मरकरी, एक चक्कर लगाता है मरकरी, इट इज जस्ट ऑफ 88 डेज. बट व्हेन इट कम्स टू नेपच्यून, अगर हम नेपच्यून और प्लूटो को देखते हैं, इनका जो साइकिल है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, इनका साइकिल इतना छोटा नहीं है. इनका साइकिल इज मोर देन 200 ईयर्स अगर प्लेटो का बात करते हैं और नेपच्यून का बात करते हैं. एंड वीनस, इट इज़ नोन एज अर्थ ट्विन. बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हैं. कुछ हमारे पास लाइक वी हैव गॉट द सन, वी हैव गॉट द प्लैनेट्स, वी हैव गॉट अदर स्टार्स इन द स्काई. हमारे पास बहुत सारे स्टार्स हैं स्काई में. जब ये स्टार्स एक पैटर्न डेवलप कर लेते हैं, एक शेप डेवलप कर लेते हैं, उसको बेसिकली हम कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट इज नोन एज कॉन्स्टिलेशन. हमारे पास बहुत सारी कॉन्स्टिलेशंस हैं. हमारे पास एग्जांपल है उर्सा मेजर, फिर हमारे पास है उर्सा माइनर, इस तरह के एग्जांपल्स रहते हैं. एक एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया है जो यूपीएससी पूछ सकता है कि नॉर्थ पोल के बारे में, धरती के बारे में जो स्टार बताता है दैट इज नॉर्थ स्टार. नॉर्थ स्टार भी बोल देते हैं हम इसको पोल स्टार भी बोल देते हैं. पोल स्टार वो हमेशा धरती के नॉर्थ पोल के बारे में हमें इंडिकेशन देता रहता है कि धरती का नॉर्थ पोल कहाँ पे है. ये बाद में डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर में, हम लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो सबसे पहली चीज़ जो हमने सीखा है दैट इज़ धरती पूरा सोलर सिस्टम में क्या है. इन द सोलर सिस्टम वी हैव गॉट द सन, वी हैव गॉट द प्लैनेट्स, एंड प्लैनेट्स का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मैंने आपको बता दिया है. अपार्ट फ्रॉम दैट, सन के पास अपना एनर्जी है, सन इज अ स्टार, वो अपना एनर्जी खुद प्रोड्यूस करता है. स्टार्स अपना एनर्जी खुद प्रोड्यूस करते हैं, प्लैनेट्स के पास अपना एनर्जी नहीं होता है. फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देने है सैटेलाइट्स. आगे प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स होते हैं जो प्लैनेट्स के आसपास रिवॉल्व कराते रहते हैं. रेवोल्यूशन जो रहता है प्लैनेट्स का, घूमते रहते हैं. कुछ जो सैटेलाइट्स होते हैं जो प्लैनेट्स के आसपास घूमेंगे उनको हम सैटेलाइट्स बोलते हैं. जैसे धरती का सैटेलाइट क्या है, वी गॉट मून. नाउ धरती का जो सैटेलाइट है मून है, उसका कितना दूरी है? टेंटेटिवली इट इज 384,000 किलोमीटर, 384,000 किलोमीटर दूर है हमारा. 3.8 लाख किलोमीटर का दूरी है अर्थ से, किसका? मून का. मून का रोटेशन पीरियड, मून का रेवोल्यूशन पीरियड दोनों सेम है, वो 27 डेज है. लाइक अर्थ का जो रोटेशन पीरियड है अपना एक्सिस के ऊपर जो अर्थ घूमती है वो 24 घंटे है, जो रोटेशन है, जो रेवोल्यूशन है वो 365 दिनों का है. इट इज 365, ठीक है, 0.4. तो दैट इज द रोटेशन ऑफ, दैट इज द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ. देन अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस चैप्टर इज कि जो हमारे पास धरती के ऊपर कुछ पत्थर गिरते रहते हैं जिनको मीटोराइट्स कहते हैं. तो दो तरह का ये टर्मिनोलॉजी है हमारे पास. हमारे पास मीटोराइट्स है और मीटोराइड्स है. नो वट आर मीटोराइट्स? मीटोराइट्स वो हैं जो धरती के ऊपर गिरते नहीं हैं, बीच में बर्न हो जाते हैं धरती के एटमॉस्फेयर की फ्रिक्शन की वजह से. जब भी कोई पत्थर बाहर से आएगा धरती के साथ वो टकराता है, टकराने की वजह से धरती के एटमॉस्फेयर के साथ टकराता है, उसकी वजह से फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा बर्निंग हो जाता है, वो जल जाता है, एंड उसके रिलिक्स धरती के ऊपर गिरते हैं, बहुत छोटे छोटे रिलिक्स, ऐश बन के वो गिरता है. बट अगर हमारे पास मीटोराइट जो है अगर धरती के ऊपर आके गिर जाता है, एटमॉस्फेयर बहुत बड़ा एक साइज़ का मीटोराइट है जो धरती के ऊपर आके गिरेगा, मीटोराइट कहेंगे हम उसको, मीटोराइट. सो दीज आर द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सॉलिड रॉक्स दैट विल क्रॉस द एटमॉस्फेयर एंड दे विल फॉल ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, देन दे विल बी नोन एज मीटोराइट्स. एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे सोलर सिस्टम में. अभी तक हमने क्या स्टडी किया सोलर सिस्टम में? हमारे पास सन है, हमारे पास अर्थ है, और अर्थ के साथ हमारे पास और बहुत सारे प्लैनेट्स हैं. फिर हमारे पास सोलर सिस्टम में हमारे पास स्टार्स हैं. फिर हमने देखा कि स्टार्स का एक स्ट्रक्चर अगर कोई बनता है तो उसको कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं हम.
उसके बाद में हमने स्टडी किया है मीटियोराइट्स क्या होते हैं और मीटियोर्स क्या होते हैं. मीटियोर्स जो गिर जाता है, मीटियोराइट जो धरती के ऊपर आ जाता है, दैट इज मीटियोराइट. अभी इसी तरह का हमारे पास सॉलिड रॉक टाइप स्ट्रक्चर में वी हैव गॉट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज एस्टेरॉइड्स. व्हाट इज दिस एस्टेरॉइड? ये एस्टेरॉइड क्या होते हैं? दीज एस्टेरॉइड्स आर बेसिकली नथिंग. ये एक स्पेकुलेशन है कि जैसे हमारे सोलर सिस्टम के आसपास कोई ना कोई प्लेनेट रहा होगा, वो प्लेनेट टूट गया होगा, उसके टूटने की वजह से, क्रम्बलिंग की वजह से उसके जो रेलिक सॉलिड रॉक्स रहे होंगे, दोज रॉक्स आर नाउ रिवॉल्विंग अराउंड द सन एंड दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर. मार्स और जुपिटर के बीच में जो एक पत्थरों का हमारे पास स्ट्रक्चर है, वी हैव मल्टीपल रॉक स्ट्रक्चर्स, हार्ड रॉक स्ट्रक्चर्स, एंड दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, एंड दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर. सो दे आर नोन एज एस्टेरॉइड्स. सो इन सोलर सिस्टम वी हैव रेड सन, वी हैव रेड प्लैनेट्स, वी हैव रेड स्टार्स, वी हैव रेड एस्टेरॉइड्स, मीटियोर्स एंड मीटियोराइट्स. नाउ वी विल बी ऑल्सो टॉकिंग अबाउट अवर सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम इज एक्चुअली अ स्मॉल यूनिट. अवर सोलर सिस्टम इज प्रेजेंट इन अ गैलेक्सी, इन अ, और एक गैलेक्सी में हमारे पास अराउंड बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, एंड 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 करोड़ स्टार्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 करोड़ स्टार्स, एंड इन 1 गैलेक्सी वी हैव बिलियंस ऑफ स्टार्स, एंड वी हैव गॉट मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, एंड दीज मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज टूगेदर दे फॉर्म दिस यूनिवर्स. सो इन दिस एंटायर यूनिवर्स देर आर मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, इन दीज मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज देर आर बिलियन ऑफ स्टार्स, एंड अराउंड दीज बिलियन ऑफ स्टार्स टेन्स ऑफ प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग. तो बेसिकली व्हाट वी हैव billions and billions of planets in this universe. Earth is the very small planet. अगर पूरा universe देखा जाए, धरती एक बहुत छोटा हमारे पास planet है. देखिए अब NCERT में भी देख लेते क्या क्या लिखा हुआ है, वहाँ से भी आपको revise करा देता हूँ मैं सारा chapter. See, this chapter starts with the Earth in the solar system. It talks about that sun is a star. ये मैंने आपको बता दिया, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस थिंग. देन आई हैव टोल्ड यू अबाउट, ये हमने कर लिया है, ट्विंकलिंग स्टार्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है. फिर मैंने आपको बताया है कि देर आर कॉन्स्टिलेशंस, दैट इज पैटर्न फॉर्म्ड बाई डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स. उसके बाद में वी हैव डेल्ट विद प्लैनेट. प्लैनेट किसको बोलते हैं? सोलर सिस्टम में क्या है हमारे पास? हमारे पास सन है, हमारे पास प्लैनेट्स हैं. एक एक्रोनियम बनाया हुआ है NCERT में ही, My very efficient mother just served us nuts. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. ये बहुत important है. Fixed path है इन सब का, जितने भी हमारे पास planet है, सबसे पास में Mercury है. ठीक है, this is very very important. And जो Mercury है पास में है, उसके बाद Venus है, फिर Earth है. Earth is the fifth largest planet. This is very very important fact. जियोइड शेप है अर्थ का, अर्थ पूरा गोल नहीं है. अर्थ का जो शेप है वो जियोइड है. जो हमारे पास पोल है यहाँ पे, ये चपटा है यहाँ पे, यहाँ से चपटा है वाला, इतना ज़्यादा चपटा नहीं जितना मैंने बना दिया है. दिस इज एक्चुअली अ जियोइड शेप, पूरा गोल सर्कल नहीं है, यहाँ से लेके थोड़ा फ्लैटन है पोल्स की तरफ. दिस इज नोन एज जियोइड शेप, ये धरती का शेप है. 3.8 लाख किलोमीटर दूर है हमारे पास जो मून है. 27 दिन का इसका रोटेशन है और रेवोल्यूशन भी 27 दिन का है. एस्टेरॉइड्स क्या है? मैंने आपको बता दिया है, दे मूव इन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर. मीटियोराइट्स क्या होते हैं? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. ठीक है, अवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ गैलेक्सी जिसको हम आकाश गंगा बोलते हैं.
So this was all for this class. In case you have any sort of doubt, you can contact me, or you can contact my team at my cell number, that is 8459400000. अगर आप classes join करना चाहते हैं Brainy AIs के ऊपर चंडीगढ़ में, so you can join these classes. So this was all for the day. Bye bye. Take care. Have a nice day.